हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अनलिमिटेड आयरन फार्म कैसे बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए अपना ब्लॉक, ग्लास, चेस्ट, हॉपर्स, रिपीटर, लीवर, वाटर बकेट, लावा बकेट, रेडस्टोन एंड हमें चाहिए साइन एंड रेडस्टोन टॉर्च। और हमें एक चीज़ और चाहिए, तो हम उसे लेते हैं। हम उसे कमांड ब्लॉक लेना होगा हमें। तो चलिए हम जल्दी से कमांड ब्लॉक लेते हैं। हम जल्दी से लेते हैं कमांड ब्लॉक। तो हमें कमांड सर्च करना है, हम करना है आपको डालना है स्लैश गिव GIVE गिव @ पी हो रहा है ना टाइप, हाँ हो रहा है @P एंड फिर स्पेस देनी है आपको। फिर आपको सर्च करना है कमांड ब्लॉक COMM। आप देख सकते हो ऊपर भी आ चुका है, आप ऊपर से स्पेलिंग देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, आपको वैसे ही लिखना है कमांड। फिर आपको देना है ये, फिर लिखना है ब्लॉक BLOCK ब्लॉक। तो चलिए मैं सर्च करता हूँ। ये हमारा इन्वेंट्री में आ चुका है, देखिए आप हमारा इन्वेंट्री में आ चुका है। तो चलिए हम इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हमें पहले एक स्क्वायर चाहिए, फोर उसका, तो हमें लगानी है फिर चेस्ट के बाद हमें इसे प्लेस करने हैं होपर्स। जल्दी मैं प्लेस कर देता हूँ, हमारे होपर्स पे प्लेस होगा। फिर हमें लगाने हैं एक गियर और बढ़ा देनी है, फिर इसके बाद एक लेयर और बढ़ा देनी है, शायद इतना सही रहेगा। नहीं, एक लेयर और बढ़ाते हैं हम लोग। शायद इतना सही रहेगा, आई नो कम नहीं पड़े। तो चलिए फिर हमें लगाना है इधर ग्लास। मैं हाथों हाथ काम काउंटर पे चलता हूँ। हमें लगाना है ग्लास इस टाइप से कुछ। फिर आपको ले जाने हैं 1 2 3 4 शायद सही रहेंगे, हाँ सही रहेगी 4। तो आपको बनानी है एक रेडस्टोन क्लॉक। तो रेडस्टोन क्लॉक बनाने के लिए आपको बनाना है पहले रखिए एक ब्लॉक, फिर उसके बाद एक ब्लॉक इधर, एक इधर, बीच वाला ब्लॉक तोड़ दीजिए। फिर आपको लगाना है ऊपर लीवर। लीवर को लगाने के बाद आपको चाहिए रेडस्टोन टॉर्च। मैं लेता हूँ जल्दी ये रेडस्टोन टॉर्च, इसे लगा देना हमें नीचे। फिर इधर लगाना है मुझे रिपीटर, फिर लगाना है रेडस्टोन। देखिए हमारी क्लॉक चालू हो चुकी है, आप देख चुके हैं। फिर हमें इसे कर देना है इसे ऑफ, देख सकते हैं आप, कर देना है मुझे इसे ऑफ। फिर एक लाइन लगानी है, फिर मुझे मैसेज वाला लेयर कंप्लीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आपको पूरा इसे ढक देना है ऊपर से लेके नीचे तक। तो इधर डेकोरेशन के लिए अभी मेन काम होना बाकी है, मैं आपको इसे डेकोरेशन कर देनी है। बस आपको एक लाइन लानी है बीच की, नहीं आपको कुछ इस तरीके से ऐसे कवर कर देना है। फिर फिर आपको इधर लगाना है कमांड ब्लॉक। चलिए मैं जल्दी से कमांड ब्लॉक लेता हूँ, इसे आपको प्लेस कर देना है इधर। फिर इधर आपको एक ब्लॉक लगा देना है सिंपल। फिर आप इसे सबको कवर कर दीजिए, एक स्क्वायर बना लीजिए 4x4 का। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पहले मैं सब चीज़ें कवर कर लेता हूँ। आपको एक स्क्वायर बनना है, चलो कमांड एड करते हैं। आपको डालना है समॉन SUMMON समॉन आयरन गोलम #iron-golem। तो आपको ये इसे करके इसे कट कर देना है। आप देखते हैं कमांड सेट हो चुकी है। और चलिए फिर आपको ये हमारा काम हो चुका है। तो हमें एक रूम बनाना है 4x4 ब्लॉक्स 2x2 का। तो
इसको से बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ऊपर से इसे कवर करना होगा इस तरह से कुछ, और लास्ट में मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है कुछ इस तरीके से आपको करना है। आप मिक्सचर को सही ब्लॉक से ही से बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हमें दिखा दें हम उस तरीके से बना सकते हैं ग्लेजर से, लेकिन हम पॉकेट एडिशन में आयरन फार्म विदाउट कमांड ब्लॉक नहीं बना सकते, आपको सिर्फ चूतिया बनाया जाता है और कुछ नहीं। तो आप इसे ही बनाइए, बस हम जावा एडिशन में तो बना सकते हैं लेकिन हम इसमें नहीं बना सकते, बस हम बना सकते हैं बस कमांड ब्लॉक के साथ। सिर्फ आपको चूतिया बनाया जाता है, आपका टाइम कंज्यूम करा जाता है, उनके वॉच टाइम बढ़ता है, बस यही फ़र्क है। तो चलिए लावा दर, मुझसे गलती हो गई, जल्दी से मुझे लावा ब्लॉक्स लगाने होंगे। और फो लग जा, आपको कुछ इस तरीके से ब्लॉक लगा देना, ये लगाना नहीं है, मैंने गलती कर दी थी, मेरा कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सही है वैसे। फिर आपको आप देखिए आपका ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, लावा सही है ना, नीचे नहीं आया, तो आपको साइन से लावा लग जाएगा। और फिर आपको दो साइन और लगाने हैं इधर एंड इधर जिस तरीके से, और मैं चाहता तो मैं भी उसी तरह से वीडियो बनाकर आपको दिखा सकता था, लेकिन हम लोग सच बताते हैं तो आपको इस लेवल पर प्लेस करना है तो स्पॉन होना चालू हो जाएंगे हमारे वो आयरन गोलम्स। इस आयरन गोलम्स जाएंगे इस लावा के अंदर पानी के फ्लो के कारण, और ये सब जाके लावा में मर जाएंगे। तो मैं इसे ज़रा फिनिशिंग टच दे देता हूँ जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, कुछ इस तरह से दे देते हैं फिनिशिंग टच। चलिए पीछे वाला ब्लॉक तोड़ देते हैं और जल्दी से मैं इसे कवर कर देता हूँ ग्लास से। आप कोई सा ही ब्लॉक बना लीजिए, अगर आपके पास और कोई सा आइडिया हो तो आप उसे बना सकते हैं, लेकिन कमांड ब्लॉक उसके अंदर ज़रूरी है। आप किसी भी यूट्यूबर के देख लीजिए, वो सिर्फ एक बार आयरन गोलम स्पॉन करके, क्योंकि वो बना हुआ होता है उस पर बस पंपकिन लगा देते हैं, कट करके आपको दिखा देते हैं कि आयरन गोलम स्पॉन हो रहा नहीं, वो नहीं होता क्योंकि इसमें सपोर्ट ही नहीं करता भाई, कहाँ से लाओगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से हमारा आयरन गोलम्स आना चालू हो चुके हैं, तो हमें बहुत सारा आयरन लगा, बस आपको उधर से ऑफ कर देना है। आप इससे अनलिमिटेड आयरन ले सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना आयरन मिला है मुझे। तो जल्दी से इसे मरने देते हैं, देखिए कैसे मर रहा है हमारा आयरन गोलम्स, देख सकते हैं कुछ आप। मैंने ब्लॉक को तोड़ दिया तो शायद हमारे सारे मर चुके हैं, हाँ सब शायद मर चुके हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं हमारे टू स्टैक तो हो चुके हैं और शायद एक स्टैक और हो जाएगा शायद। तो आप देख सकते हैं मैंने एक मिनट भी चालू नहीं की मशीन, तो मेरा 3 स्टैक का वो हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी मशीन को जिस तरीके से दिखने वाली है, देख सकते हैं आप लोग हमारी मशीन। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा वो वाला यूट्यूबर हमें ऐसा बना के दिखा देता हम उसे देखेंगे, हर कोई कमांड ब्लॉक का ही इस्तेमाल करता है, आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।